गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस हीमोस्टेसिस मतलब क्या होता है? हीमोस्टेसिस मीन्स प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस वेन एवर ब्लड वेसल रप्चर। तो ये क्या होता है, इसका मतलब प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस वेन एवर ब्लड वेसल रप्चर। हीमोस्टेसिस मेंटेन बाय सेवरल मैकेनिज्म। तो हीमोस्टेसिस चार मैकेनिज्म से कंट्रोल्स मेनली मेंटेन किया जाता है। तो कौन सा है? पहला है वास्कुलर कंस्ट्रिक्शन, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट रिजल्ट इन ब्लड कोएगुलेशन, फोर्थ है इवेंचुअल ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन द ब्लड क्लॉट टू क्लोज द होल इन ब्लड वेसल परमानेंटली। तो ये चार मैकेनिज्म्स यहाँ पे एक्ट करते हैं। तो देखेंगे हम सबसे पहला क्या है, तो हमारा तो वो है वास्कुलर कंस्ट्रिक्शन। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इमिडिएटली ब्लड वेसल कट और रप्चर्ड, ट्रामा टू द वेसल वॉल कॉजेज स्मूथ मसल इन वॉल कॉन्ट्रैक्ट। जब ब्लड वेसल्स कट और रप्चर हो जाते हैं या फिर उसको कुछ लग जाता है या फिर उसे कुछ इंजरी हो जाती है, ट्रामा विच कॉजेज स्मूथ मसल्स इन द वॉल टू कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस ब्लड फ्लो फ्रॉम द रप्चर्ड वेसल। वो क्या करती है, जब स्मूथ मसल वॉल कॉन्ट्रैक्ट करने लगा देती है और उसके वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो जो ब्लड फ्लो होता है रप्चर्ड वेसल्स का वो यहाँ पे कम किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट फ्रॉम, तो कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है देखेंगे हम। तो सबसे पहला कॉज है लोकल मायोजेनिक स्पाज्म। तो लोकल मायोजेनिक स्पाज्म में क्या होता है, प्रोबेबली मोर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन डायरेक्ट डैमेज टू द वस्कुलर वॉल। तो जब वस्कुलर वॉल को डायरेक्ट डैमेज होता है तब लोकल मायोजेनिक स्पाज्म होता है। लोकल ऑटोगेट फैक्टर जो कि होता है ट्रामेटाइज टिश्यू रिलीज करते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स। तो लोकल ऑटोगेट फैक्टर कौन थे, ऑटोगेट फैक्टर कौन से, ट्रॉमाटाइज टिश्यू एंड ब्लड प्लेटलेट्स। थर्ड है नर्वस रिफ्लेक्स। तो नर्वस रिफ्लेक्स कौन से है, इनिशिएटेड बाय पेन नर्व इम्पल्स और अदर सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द ट्रॉमाटाइज टिश्यू। तो ये तीन है, लोकल मायोजेनिक स्पाज्म, लोकल ऑटोगेट फैक्टर एंड नर्वस रिफ्लेक्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्मॉलर वेसल्स प्लेटलेट्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल बाय रिलीजिंग थ्रोम्बोक्सिन A2। और थ्रोम्बोक्सिन ए टू कौन रिलीज करता है, स्मॉलर वेसल्स एंड प्लेटलेट्स, जो कि कॉज करता है क्या कॉज करता है, वस्कुलर कंस्ट्रिक्शन। थ्रोम्बोक्सिन ए टू भी क्या करता है, वस्कुलर कंस्ट्रिक्शन। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे मोर सीक्रेटली वेसल ट्रामेटाइज, सॉरी मोर सीवियरली वेसल्स आर ट्रामेटाइज ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ वास्कुलर स्पाज्म। जब ट्रामेटाइज मोर सीवियरली ट्रामेटाइज होती है तब ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ वास्कुलर स्पाज्म, लास्ट फॉर मिनट्स फॉर आवर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लेटलेट प्लगिंग एंड ब्लड कोएगुलेशन टेक प्लेस। तो ये है हमारा वास्कुलर कंस्ट्रिक्शन। सो गाइज, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड मैकेनिज्म जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। तो इसमें क्या होता है, इम्पॉर्टेंट इन माइन्यूट रप्चर वेरी स्मॉल वेसल्स ऑकर मेनी थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स डेली। तो ये कहाँ काम आता है, माइन्यूट रप्चर्स में जो कि होते हैं मतलब बहुत ही छोटे ब्लड वेसल्स में होती है। मल्टीपल होल्स थ्रू द एंडोथेलियल सेल्स क्लोज बाय प्लेटलेट्स एक्चुअली फ्यूजिंग विद एंडोथेलियल सेल्स टू फॉर्म एडिशनल एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन। स्मॉल हिमोरेजिक एरियाज डेवलप ईच डे अंडर द स्किन। तो ये जो हिमोरेजिक एरिया, स्मॉल हिमोरेजिक एरिया जो डेवलप होता है हमारे स्किन के अंदर डेली लाइफ में, वो कौन रिपेयर करता है, प्लेटलेट्स प्लग्स। तो हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो मैकेनिज्म ऑफ प्लेटलेट प्लग ये देखेंगे हम। प्लेटलेट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद डैमेज वस्कुलर सर्फेस स्पेशली थ्रू कोलेजन फाइबर इन वस्कुलर वॉल। तो कोलेजन फाइबर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तब क्या होता है, दे चेंज इन शेप ड्रास्टिकली बिगिन टू स्वेल सुडोपोडास प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द सर्फेस। तो ये क्या होते हैं, ये अपना जब ये कोलेजन के टच में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना चेंज शेप चेंज कर देते हैं और वो अपना मतलब फैलना शुरू करते हैं, एज सुडोपोडियास फॉर्म कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली कॉजिंग रिलीज ऑफ ग्रैनुल्स दैट कंटेन मल्टीपल एक्टिवेटिंग फैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और वो क्या रिलीज करते हैं, ग्रैनुल्स जिसमें मल्टीपल एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होती है। दे बिकम स्टिकी सो दैट दे अडेयर टू द कोलेजन टिश्यू एंड प्रोटीन कॉल्ड वॉन विलेब्रंट फैक्टर्स। तो ये क्या होती है, बहुत ही स्टिकी होती है और ये कहाँ अटैच हो जाती है, फिर कोलेजन को, कोलेजन ये जो हमारा प्लेटलेट्स है वो कहाँ अटैच हो जाएगा, कोलेजन को अटैच हो जाएगा।
और किससे अटैच होएगा, वॉन विलबर्न फैक्टर से अटैच हो जाएगा। दे रिलीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। तो ये क्या करती है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एडीपी और क्या करती है, एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 भी रिलीज करती है। एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 एक्ट एज ए इंक्रीज, एक्ट ऑन नियर बाय प्लेटलेट्स टू एक्टिवेट देम एज वेल। तो एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन क्या करते हैं, वो जो उनके पास के प्लेटलेट्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं। स्टिकनेस ऑफ एडिशनल प्लेटलेट्स कॉजेस अडियर टू ओरिजिनल एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। तो और ये नए जो प्लेटलेट्स हैं वो आके जो ओरिजिनल एक्टिवेटेड पहले वाले हमें प्लेटलेट्स थे जो प्लग फॉर्म हुआ था तो उनसे अटैच हो जाते हैं एट द साइट ऑफ पंक्चर्ड ब्लड वेसल्स, जहाँ पे हमारे वेसल रपच्चर होते हैं वहाँ पे। डैमेज वस्कुलर वॉल एक्टिवेटेड सक्सेसफुली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, मोर प्लेटलेट्स फ्रॉम प्लेटलेट प्लग। और भी नंबर ऑफ और भी प्लेटलेट्स यहाँ पे ऐड हो जाती है क्यों, प्लेटलेट्स प्लेटलेट प्लग फॉर्म करने के लिए। इट इज़ बेनिफिशियल इन ओनली इन स्मॉल ब्लड वेसल्स। तो ये हमने पहले देखा कि ये कहाँ पे बेनिफिशियल है, सिर्फ स्मॉल ब्लड वेसल्स में बेनिफिशियल है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग और उसका मेकानिज्म। अब हम देखेंगे थर्ड जो हमारा मेकानिज्म है जो होता है क्लॉटिंग। तो देखेंगे ये कैसे एक्ट करता है। तो क्लॉटिंग टेक्स प्लेस इन थ्री इसेंशियल स्टेप्स। तो कौन से तीन इसेंशियल स्टेप्स हैं इसके, हम ये देखेंगे। इन रिस्पॉन्स टू द रप्चर्ड वेसल्स और डैमेज इन ब्लड सेल्स, कॉम्प्लेक्स कैस्केड ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन अ ब्लड, इन्वॉल्व मोर डजन्स ऑफ ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट द सब्सटेंस कॉल्ड थ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो ये जो है हमारे कैस्केड रिएक्शंस, हम देखेंगे आगे क्या होती है। तो ये कौन सी केमिकल कैस्केड रिएक्शंस है और ये कैसे प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैटलाइज कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, जो इस कैस्केड केमिकल रिएक्शन से जो एक्टिवेट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, वो क्या करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। एंड थ्रोम्बिन क्या करता है फिर, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन फाइबर्स एंड इमेज द प्लेटलेट्स ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा टू फॉर्म क्लॉट। और ये अल्टीमेटली क्या फॉर्म करता है, क्लॉट फॉर्म करता है बाय ट्रैपिंग प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो देखेंगे इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो देखेंगे पहला मैकेनिज्म कैसे ये आता है, अपना रोल प्ले करता है। तो मैकेनिज्म सेट इन प्ले बाय ट्रामा टू वस्कुलर वॉल एंड एडजेसेंट टिश्यू, ट्रामा टू ब्लड, कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड विद द डैमेज एंडोथेलियल सेल्स और कोलेजन और अदर एलिमेंट आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। तो ये तीन तरीके से ये हमारा मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है जब इंजरी होती है कहाँ पे, वस्कुलर वॉल को या फिर उसके एडजेसेंट टिश्यू को या फिर ब्लड को ही इंजरीज हो जाते हैं डायरेक्ट। और जब ब्लड को द कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड विद डैमेज एंडोथेलियल सेल्स, जब ब्लड कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं किसके, डैमेज एंडोथेलियल सेल्स के या फिर कोलेजन के। तो देखेंगे इसमें प्रोथ्रेमिन एक्टिवेटर फैक्टर का क्या फॉर्म होता है। तो प्रोथ्रेमिन एक्टिवेटर फैक्टर कंसिडर्ड इन टू वेज। तो ये कैसे फॉर्म होता है, दो वेज में फॉर्म होता है, बाय एक्सट्रिंसिक पाथवे दैट बिगिंस विद द ट्रामा टू वस्कुलर वॉल एंड सराउंडिंग टिश्यू। जब ट्रामा वस्कुलर वॉल या फिर उसके सराउंडिंग टिश्यू को होता है तो एक्सट्रिंसिक पाथवे सेट इन प्ले अपना मेकानिज्म स्टार्ट कर देता है। और इंट्रिंसिक पाथवे कब फॉर्म करता है, जब ट्रामा ब्लड को होता है तब, या फिर ब्लड कोलेजन के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तब। तो ये हो गया हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो देखेंगे इसका मैकेनिज्म कैसे है। तो सो गाइज हम पहले देखेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे देखेंगे हम। तो इसमें देखेंगे बिगिंस विद द ट्रामोटाइज वस्कुलर और ट्रामोटाइज एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू। तो देखेंगे कैसे होता है, टिश्यू ट्रामा वो एक्टिवेट करता है टिश्यू फैक्टर को। तो टिश्यू फैक्टर क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं सेवन को, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सेवन फैक्टर सेवन को। और फिर ये टिश्यू फैक्टर कहाँ एक्ट करते हैं, डायरेक्ट अगली स्टेप में देखेंगे। और जो है जो सेवन एक्टिवेटेड सेवन फैक्टर है वो एक्ट करता है टेन के ऊपर, और टेन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एक्टिव फॉर्म में टेन एक्टिव फॉर्म में जो फैक्टर टेन होता है उसे कैटलाइज कौन करता है, कैल्शियम और फैक्टर फाइव। और ये जो एक्टिवेटेड टिश्यू फैक्टर है हमारा वो क्या करता है, थ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो अल्टीमेटली क्या कर देता है, थ्रोम्बिन एक्टिवेटर को स्टिमुलेट कर देता है। तो ये हमारा प्रोथ्रोम्बिन, फिर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या कर देता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम एंड प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड के। तो ये हो गया हमारी एक्सट्रिंसिक पाथवे। देखेंगे इसमें क्या है। तो सबसे पहले आता है रिलीज ऑफ टिश्यू,
फैक्टर, तो टिश्यू फैक्टर पहले रिलीज हो जाता है। तो कैसे होता है, ट्रामोडाइज टिश्यू और ट्रामोडाइज टिश्यू फैक्टर और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड ऑफ मेम्ब्रेन प्लस लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स मेनली एक्ट्स एज ए प्रोटोलाइटिक एंजाइम। तो ये जो है हमारा टिश्यू फैक्टर और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये किस 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 से बनता है, प्लेटलेट्स फॉस्फोलिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन एंड लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बना होता है ये टिश्यू फैक्टर। तो वो क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10। तो फैक्टर 10 को कैसे एक्टिवेट करता है हम देखेंगे। रोल ऑफ फैक्टर 7 एंड टिश्यू फैक्टर लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑफ टिश्यू फैक्टर फर्दर कॉम्प्लेक्स द ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर 7 इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एक्ट्स एंजाइमेटिकली ऑन फैक्टर 10 टू फॉर्म एक्टिवेटेड फैक्टर 10। ये हमने ऊपर देख लिया है। तो यहाँ पे हम भूल गए कि कैल्शियम भी यहाँ पे एक्टिव अपना काम करता है प्ले। तो फैक्टर 7 और टिश्यू फैक्टर यहाँ पे एक्ट करता है और कैल्शियम के प्रेजेंस में फैक्टर 10 कन्वर्ट होता है एक्टिवेटेड 10A में। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटेड 10A टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो देखेंगे कैसे करता है, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है फ्लो चार्ट में। द रोल ऑफ फैक्टर 5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हियर। द एक्टिवेटेड फैक्टर कंबाइंस विद द टिश्यू फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोलिपिड्स रिलीज फ्रॉम द प्लेटलेट्स एज वेल एज फैक्टर 5 टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो ये कैटलाइज करते हैं ये इस रिएक्शन को, फैक्टर 5 टिश्यू फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम ऑल्सो। इन फ्यू सेकंड्स इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन स्प्लिट्स टू फॉर्म थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन स्प्लिट टू फॉर्म थ्रोम्बिन। फर्स्टली फैक्टर 5 इज इनएक्टिवेटेड बट वेन क्लॉटिंग प्रोसेस बिगिन्स द थ्रोम्बिन इज फॉर्म फर्दर एक्टिवेट द फैक्टर 5। जो थ्रोम्बिन होता है वो फैक्टर 5 को फिर से एक्टिवेट कर देता है, जो कि हमने फ्लो चार्ट में भी देखा है। दिस इज देन बिकम द एडिशनल स्ट्रॉन्ग एक्सीलेटर ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो यही जो वो प्रोसेस है जो फर्दर इस प्रोसेस को एक्टिवेट कर देती है। यहाँ पे जो हमने देखा था एक्टिवेटेड फैक्टर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को फॉर्म कर देता है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन टू को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। और ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फर्दर फैक्टर 5 को एक्टिवेट करता है, जो कि फर्दर इस रिएक्शन को इंक्रीज करता है, इस रिएक्शन का एक्सलेट कर देता है इस पोर्शन पे। तो यह हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड कोएगुलेशन।